अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम जिनके बारे में, जिन फ्रीडम फाइटर के बारे में बात कर रहे हैं, उनका नाम है बेगम हज़रत महल। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को जिला वतन करके अंग्रेज़ों ने इत्मीनान की सांस ली और जल्द ही बद इंतज़ामी और इख्तसादी बदहाली को दूर करने के बहाने लखनऊ पर कब्ज़ा कर लिया। जनवरी 1857 में नाना साहब पेशवा कानपुर से और मौलवी अब्दुल्ला शाह आगरा से लखनऊ पहुँचे। इन दोनों ने अवध की बेगमात से रहनुमाई की दरख्वास्त की, मगर कोई बेगम तैयार ना हुई। सिर्फ हज़रत महल ने बेखौफी का मुजाहिरा करते हुए अवध की हुकूमत संभालने और इनकलाबियों की क़यादत करने की हामी भर ली। अपने नाबालिग बेटे ब्रजेश कद्र को तख्त पर बैठा कर वो मैदान अमल में उतर आईं। अंग्रेज़ों ने अवध में कई मुहाजरों पर जंग छेड़ी। अहमदुल्ला शाह, बेगम हज़रत महल, राजा जैमल और बेनी माधव सिंह की क़यादत में इनकलाबियों ने बहादुरी से इनका सामना किया, मगर ऐन वक्त पर नेपाल का महाराजा जंग बहादुर अंग्रेज़ों की मदद को आ गया, जिसने बाजी पलट दी। 1858 में बेगम हज़रत महल नेपाल रवाना हुई, जहां अंग्रेज़ों से फिर इनका मुकाबला हुआ। अंग्रेज़ों को शिकस्त खाकर पीछे हटना पड़ा। अंग्रेज़ों के दबाव की वजह से नेपाल के महाराजा ने बेगम हज़रत महल और ब्रजेश कद्र को पनाह देना तो मंजूर कर लिया, लेकिन उनके साथियों को नेपाल से निकल जाने को कहा। बेगम हज़रत महल ने इस तजवीज़ को नामंजूर कर दिया। इस जवाब के बाद नेपाल के राजा ने बेगम हज़रत महल की रस्त रोक दी, जिसकी वजह से इनकलाबी सरगर्मियां सर्द पड़ गईं। बेगम हज़रत महल ने हर मरहले पर अंग्रेज़ों का बहादुरी से मुकाबला किया, मगर शिकस्त उनके नसीब में थी। अंग्रेज़ों ने इन्हें तरह तरह के लालच दिए, इन्हें मरऊब किया, मगर वो किसी तरह माफ़ी मांगने को तैयार ना हुई। जिस हुकूमत के ख़िलाफ़ तलवार उठाई थी, उसके सामने सर झुकाना गवारा ना किया और तमाम मराआत को ठुकरा कर सादगी से ज़िंदगी बसर करने को फ़ौकियत दी। बेगम हज़रत महल के मुखालफीन तक ने एतराफ़ किया है कि वो नहायत निडर, अहद की पक्की और नहायत बासलाहियत खातून थी। वाजिद अली शाह की दीगर बेगमात भी इनकी काबिलियत और शुजात का खुले दिल से एतराफ़ करती थीं। 1874 में काठमांडू में उनकी अपनी बनवाई हुई इमारत बर्फ महल में उन्होंने आखिरी सांसें लीं। वी सल्यूट फ्रीडम फाइटर बेगम हज़रत महल। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।